आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। योगी सरकार ने सदन में 2023 और 24 का बजट पेश किया। 7 लाख करोड़ रुपए का ये बजट कई लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में महिला, युवा सशक्तिकरण, किसानों के साथ साथ नई स्थापना और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ऐलान किया था कि यूपी अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। आज का बजट ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं, न तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ, न युवाओं के लिए, न ही आम आदमी के लिए। गन्ना किसान जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बजाय उनकी बढ़ती फसल पर तो नजर रखकर अपनी पीठ थपथपा ली। 35% कृषि लागत बढ़ने के बावजूद भी इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे किसानों को राहत मिले। युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता मंचों से करते हैं, लेकिन 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का दौर प्रदेश में गुजर रहा है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं। सिर्फ प्रचार और झूठ के सहारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है और रोजगार मांगने पर लाठी मिल रही। आम आदमी को लेकर, निवेशकों को लेकर 25,000 निवेशक आए, 19,000 मयू हुए, लेकिन इस बजट में यह दिखाता है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, तो आखिर निवेश कैसे होगा ये प्रदेश समझना चाहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नया नहीं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज पर लिखा हुआ सफेद स्याही का झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके के पिछले बजट साबित हुए, उसी तरीके से ये भी बजट साबित होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, योगी सरकार ने सदन में 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है और देखा जाए तो इस बजट से हर एक वर्ग और हर एक तबके को उम्मीद थी, तो क्या लग रहा है सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है? जी मयूरी, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 अपना दूसरा बजट आज पेश की है। आपको बताया कि यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। अगर बात की जाए तो 6,900 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है और बात करें तो इस बार लगभग 75,000 करोड़ का पिछले बार से बजट में इजाफा किया गया है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान जो लोक संकल्प पत्र जारी की थी, उसमें किए गए तमाम वादों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से आज 1 घंटे 38 मिनट में बजट पेश किया गया, जिसमें लगभग आपको बताया कि 6-7 से ऊपर शायरी पढ़ी गई। उस दौरान उन्होंने, अगर बजट में देखा जाए तो हर एक वर्गों को साधने का प्रयास किया गया। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, साथ ही 2024 चुनाव है लोकसभा का, इसको मद्देनजर रखते हुए जो बजट है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं हर एक वर्गों के लिए बेहतरी के तमाम प्रस्ताव रखे गए हैं। अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और उस वक्त उनके गठबंधन में सुभा सपा और साथ ही साथ RLD हुआ करती थी, इसमें तमाम जो दल थे उनका मुख्य रूप से सरकार से एक ही सवाल था कि आवारा पशुओं का कैसे आप निदान दिलाएंगे। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज के बजट में 7,500 करोड़ रुपए आवारा पशुओं के निदान के लिए बनाया है। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के, अगर देखें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है। बात की जाए तो फिलहाल में 45 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे कॉलेज के साथ साथ जो लॉ स्टूडेंट होंगे उनके 3 साल तक उनकी पढ़ाई में जो भी खर्चे आते हैं उसमें उसका भुगतान सरकार करते हुए नजर आएगी। वही अगर देखें तो चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रदेश में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा हावी रहा वो रोजगार का और महंगाई का, इसको लेकर क्या कुछ किया गया है बजट में?
जी आपको बताया कि सरकार दावा कर रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हम रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे जो लाखों की संख्या में होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि धरातल पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जो MOU साइन हुए हैं और आज सदन के अंदर भी बातें हुई हैं उस मामले इस कुंभ को लेकर, इस निवेशकों के कुंभ को लेकर, तो अब देखने वाली बात होगी कि उस माध्यम से कितनी नौकरी दी जाती है। मगर सरकार अपने जो तमाम आज बजट के अंदर में नौकरियों की बात करें तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि लगभग 5 लाख के करीब हम रोजगार देने का काम करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। साथ ही सरकार ने यह भी दावा किया है कि हम पिछली सरकार में 4 लाख से ऊपर रोजगार दिए थे और उसी क्रम में इस बार उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए उसके लिए निर्धारित किए गए हैं जिससे जो तमाम छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनकी बेहतरी आ सके। तो साथ ही साथ रोजगार के जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मयूरी आपको बता दें कि अगर देखें तो जो वृद्ध महिला हैं उनके लिए भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अगर बात करें तो वृद्धा पेंशन के साथ साथ ऐसे तमाम जो प्रस्ताव थे जिस पे बात की गई थी मैनिफेस्टो में 2022 के चुनाव के दौरान, उस पे भी पूरी तरह से सरकार अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास की है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में महाकुंभ का आयोजन होना है 2025 के अंदर में, इसके लिए पूरे सुसज्जित ढंग से तैयारियों के लिए 25 से 2500 करोड़ रुपए का मुद्रा आवंटित किया गया है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ने आज अपना बजट पेश किया है और ये बजट 7 लाख करोड़ रुपए का बजट कई लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आ रहा है। योगी सरकार का 2.0 का ये दूसरा बजट है और इस खबर पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, 7 लाख करोड़ रुपए का आज बजट पेश कर दिया गया है, इस बजट से प्रदेशवासियों कि कितनी तस्वीर बदलेगी, प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलेगी? देखिए मयूरी, आपको बता दूं जिस तरह से ये 2023 और 24 का बजट पेश किया गया है, उम्मीदें थी लोगों को कि अच्छा बजट होगा, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं इसमें, कई लोग देखे जा रहे हैं खासतौर पे और कुछ लोग खुश भी हैं। हालांकि जिस तरह से एक्सप्रेसवे की बात की गई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या अन्य एक्सप्रेसवे जो बने हैं अभी, उनकी बात की जा रही थी और साथ ही साथ MSME को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, खासतौर पर युवाओं पर भी है। जब पत्रकारों ने सवाल भी पूछा था कि युवाओं को एक साल में किस तरह से कितनी नौकरियां दी जाएंगी, तो उससे भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। और बात करें तो विस्तार से योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजें, जो वित्त मंत्री थे उसके बाद बजट पेश करने पर विस्तार से सारी चीजें मीडिया से संबोधित भी की। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का ये बजट देखा गया है, जो आज बजट पेश किया गया है किस तरह से आप देख रहे हो? बजट तो अच्छा ही है, लेकिन आटा तो 40 रुपए किलो है, उसमें क्या किया जाए बताओ? अब नौकरी क्या हाईवे से क्या पेट भरेगा लोगों का? तो इसे देखना चाहिए सरकार को कि आटा कहाँ जा रहा है, गरीब आदमी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, तो इसके बारे में देखना चाहिए ना। महिलाओं के लिए भी बात की है योगी आदित्यनाथ ने कि महिलाओं को जो है सरकारी सेक्टर में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। खासतौर पर PSC की बात की जा रही है कि महिलाओं के लिए जो अब जो वैकेंसी निकलेगी PSC भर्ती के लिए, उस पर भी काफी जोर दिया गया है। वो तो सब ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जो है ना फिर भी गरीब जनता के लिए तो सोचना चाहिए ना आदमी को कि भाई इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, अब बजट में क्या है क्या नहीं है ये तो किसानों को देखना है, किसानों को भी खुश करना है, रोजगार भी मिलना चाहिए लोगों को, सब चीज की जरूरत होती है आदमी को। आपसे बातचीत करना चाहूंगा, जैसे कि अभी जो नोएडा और जिस तरह से लखनऊ में भी इन्वेस्टर समिति की बैठक हुई थी जिसमें इन्वेस्टर काफी लोग इन्वेस्टर यहां पहुंचे थे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब जो बजट पेश किया और विकास किस तरह से आगे तेज गति में आगे बढ़ेगा? सबसे पहली बात तो यही है कि भाई सबको रोजगार मिलेगा, इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी, आदमी खुशहाल होगा, बजट भी ठीक ठाक दिया है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है योगी जी। आप एक सवाल और आपसे है, जिस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं अभी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और कोविड के समय में जिनका रोजगार चला गया था, उस पे भी अभी योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पे बात भी की, कहा था कि जिस तरह से जो श्रमिक थे अपने प्रदेश के लिए रवाना होते उसके लिए उन्होंने बसों का प्रबंध किया था जिस तरह से, और अभी अपने देश बुलाया था, किस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं, हालांकि चुनाव भी देखो नजदीक आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी खासतौर पर बजट किस तरह से आप देख रहे हैं? बजट भी बढ़िया है और वैसे भी नीति अच्छी बना रहे हैं,
काम अच्छा चलेगा, पब्लिक का रोजगार अच्छे मिलेंगे, लोग बागों को नौकरी भी पैसा मिलेगा, तो अपने आप रोजगार बढ़िया होगा, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए कुछ लोग नाराज भी दिख रहे हैं तो कुछ लोग खुश भी दिख रहे हैं इस बजट को लेकर, तो हम एक और भाई साहब उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरह से बजट को देख रहे हैं? तो सर बजट जो है सराहनीय नहीं है, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल सराहनीय नहीं है, ये एक पूंजीपतियों के लिए तो मान सकते चलो ठीक है। हमारे भाई सोर्स ऑफ इनकम 1,30,000 रुपए पर ईयर है, तो लिए उसमें क्या मतलब ये छूट मिले ना मिले वाली तो बराबर है ना, आपके इनकम टैक्स की वैसे भी नहीं आ रहे हो, वैसे भी नहीं आएंगे एक्चुअली। बाकी तो ठीक है बजट, बाकी हम इसी से डाल आ जाए क्योंकि उनका बजट में जो है ना एक गरीब वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, मतलब बोझ पड़ गया, काफी बोझ पड़ गया, हर चीज महंगी हो गई है, उस तरीके से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ है। और बाकी तो जैसे भी बजट है नहीं, जैसा कि अभी योगी जी ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि किसानों के लिए राहत दी जा रही है खासतौर पे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लाइट नहीं पहुंचती थी वहाँ पर लाइट भी पहुंचाई गई, सोलर की सुविधाएं दी गई, तो इस तरह से कैसे दिख रही है? नहीं देखो एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लाइट जैसे नहीं पहुंची है, हर जगह लाइट पहुंच गई है, विकास हुआ है, सड़कें बन गई है, हाईवे बन गए, लेकिन अब उसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो उसके हाईवे से फायदा क्या होगा? देखो जो हाईवे बन गया चलो ठीक है, वहाँ फैक्ट्रीज लगाई जाए या कुछ वर्क मतलब युवा वर्गों को मतलब रोजगार दिया जाए तो हम हाईवे से कुछ फायदा उठाए, हम हमेशा जाते आते नहीं है इतना काम, तो पता नहीं कि हम हमेशा हाईवे यूज करें उससे भी ज्यादा बेनिफिट हो, तो हाईवे से मतलब नहीं, हमें चाहिए रोजगार गरीब वर्गों के लिए, कोई फैक्ट्रीज वगैरह हो, यहाँ पहले रोजगार चलता था 50% कम हो गया, इसके लिए योगी जी कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छे मतलब देश में हो जाएगा प्रोग्रेस। जो उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टर समिति की बैठक हुई थी जिसमें रोजगार बढ़ाने के लिए बात की जा रही है और जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर बुलाने की बात की जा रही है, खासतौर पर जो हाईवे के किनारे जो जमीनें हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह डालने की बात की जा रही है, जिससे कि जो नव युवा है उनको रोजगार मिलेगा और आगे उनको काफी फायदा होने वाला है इससे। नहीं तो ये होगा तो इसमें काफी वक्त भी लगेगा, जल्दी तो होने वाला है नहीं, किसी भी चीज का कोई भी गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी तो उसके लिए टाइम लगेगा, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये सुविधा कर सकते हैं तो हो जाए, जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो मीडियम वर्ग का आदमी जो है इसमें जीना सीख जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं बजट से। बजट का मतलब बजट तो ठीक है लेकिन ये पूंजीपतियों के लिए सीधा बोल रहे हैं, ये मीडियम वर्गों के लिए बजट नहीं है क्योंकि हर चीज महंगी है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, बेरोजगारी है, दो आदमी कमाते हैं खाते तीन आदमी बड़े मुश्किल खा पाते हैं, इसलिए बहुत बोझ पड़ रहा है। तो देख सकते हैं मयूरी किस तरह से कुछ लोग नाराज भी दिख रहे हैं तो कुछ लोग काफी खुश भी दिख रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की सराहना भी कर रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है उनकी टीम के द्वारा जो बजट पेश किया गया है तो काफी अच्छा भी है। हालांकि जिस तरह से जो बेरोजगारी की बात की जा रही है, आटे की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे लोग नाराज भी है, हालांकि जो कमाने वाले व्यक्ति जैसे दो है घर में तो कहीं तीन खाने वाले हैं तो उसको लेकर देखा जाए। चुनाव को देखते हुए बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, और देखें तो प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा हावी था वो किसानों को लेकर भी था, छुट्टा पशुओं को लेकर था, इसको लेकर बजट में क्या कुछ किया गया है? देखिए मयूरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्मनिर्भर भारत की बात कही योगी आदित्यनाथ ने, खासतौर पे ये भी कहा है कि जिस तरह से लोग जो लोकल टू वोकल जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और बात करी जाए मोटे अनाज की भी बात कही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया था कि मोटे अनाज जिस तरह से जो मार्केट में लुप्त हो गए थे उसको दोबारा से मार्केट में उस तरीके से लाया जाए, कहीं ना कहीं लोगों को जो है साधने की कोशिश की जा रही है। बात की जाए चुनाव की तो चुनाव के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये बजट काफी अच्छा देखने को मिला है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं उनको भी खासा तौर पे यहाँ पर सिक्योरिटी दी जा रही है, खासतौर पे उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक समय पर इस तरह से जो रहा करता था बाकी सरकारों में, उस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से लोगों को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया, उस तरीके से मीटिंग रखी गई जिस तरह से लगातार, और जो बाहर देश से भी लोग आए तो उनमें खासा भरोसा देखने को मिला, उस तरीके से जो बजट देखा जा रहा है इस बार तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। और कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, 7,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हो चुका है, लोगों को इस बजट से कई तरह की उम्मीदें थी, क्या लग रहा है सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर
इंटेलिजेंस और प्रोत्साहन के लिए कुछ अलग से पैकेज दिया है। ये जो उपलब्धियां कानपुर के लिए है, इसके अलावा सड़कें, ओवरब्रिज, हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ सब जगह दिया है। जहां तक हम सबके लिए देखते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विशेष आयोजन करा गया है, जैसे सुमंगला योजना, बेटियों की शिक्षा के लिए, उनकी शादियों के लिए, विधवा पेंशन के लिए, उसके अलावा छात्र छात्राओं को टेबलेट फ्री में देने के प्रावधान हैं। हर क्षेत्र को विकास की दौड़ में शामिल करते हुए एक दमदार बजट, जिसका चारों ओर एक बहुत उचित प्रभाव पड़ेगा, वो इस सरकार ने दिया। सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? हम 10 में से बिल्कुल 10 नंबर देना चाहेंगे। तो इनका साफ कहना है कि योगी सरकार के बजट को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर का व्यापारी है, इसे संतुष्ट है, लेकिन विपक्ष लगातार इनसे आड़े हाथ ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इस बजट को पेश करने के बाद देखा जाए तो चुनाव को देखते हुए इस बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, और देखा जाए तो प्रदेश में तमाम मुद्दे हावी थे, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो, महिलाओं को इन बजट से तमाम उम्मीदें थी। तो क्या लग रहा है बजट में क्या कुछ इसको लेकर मिला है? बजट में बता दूं, इस हिसाब से महिलाओं के लिए 3 बनाई गई है, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया है, और जब योगी लगातार बजट था, इसके पहले बजट को पेश करने के बाद लगभग वित्त मंत्री जब इस बजट को पेश करते, वित्त मंत्री ने लगभग 1 घंटे 48 मिनट में 7 बार कविताएं कही, कविता में लगातार वो सरकार की योजनाओं को गिनाते रहे, और गिनाने के साथ साथ जिस हिसाब से पूरे मंत्री और विधायकगण जिस हिसाब से सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बजट बिल्कुल संतुष्ट है, और सरकार व्यापारी के लिए बात की, उनके हिसाब से लगभग जो बजट है, बजट उनके अनुरूप है, और कहीं ना कहीं जब प्रदेश सरकार जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सीधा कहना था कि बजट है वो मोदी जी के मॉडल के अनुरूप है, और मोदी जिस हिसाब से 2024 चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद लगातार योगी सरकार मोदी जी को लेते हुए आगामी चुनाव को लेकर रखते हुए रणनीति आप बना रही है। इसके अलावा जो भी 2.0 से पहले घोषणा पत्र दिया था, घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं बीजेपी सरकार के माध्यम से की गई थी, उनके लगभग 150 प्लान थे, 150 में 110 प्लान को जो भी सरकार ने माना है कि हमने पूरा कर लिया, अभी 4 साल का समय है, 4 साल के समय के बाद उसको पूरा किया जाएगा। अभी सर मौजूद है मेरे पास, सर क्या नाम है आप? सर जो बजट आया है वही साहब, कितना बजट से मैं सोचू व्यापारियों और जनता के लिए समान बजट जब आप देखते हैं व्यापारियों को अच्छा बजट मिला है। उम्मीद है कि कानपुर को जो पैकेज मिले हैं बजट में विकास होगा, छूटे हुए काम जो सालों से नहीं हुए सब पूरे होंगे, जो उम्मीद सरकार से रखी जा रही है उस उम्मीद में सरकार अभी तक खरी उतर रही है, यही उम्मीद से जनता व्यापारी साथ है, खुश है बजट से, बस यही सरकार से ही बिल्कुल पड़ेगा 2024 में, जब जनता खुश रहेगी, व्यापारी खुश रहेगा तो स्वाभाविक है, जब खुश रहेगा तो सरकार समान आगे बनी है बनती है। सभी का साफ कहना है कि अगर बिल्कुल संतुष्ट है और आगे चलते 2024 के चुनाव होंगे, और चुनावों में भी सरकार ने जो भी वादे किए तो उसको पूरा किया है, और आगे भी इसको समझने की कोशिश। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार।